तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू के आगे की स्टोरी को, यानी कि पार्ट थ्री के बारे में। तो पार्ट टू के एंडिंग के अंदर हमने देखा था कि जैसे ही केविन इलेवन से बेंटनीसन ये पूछता है कि तुमने मुझ पे अटैक क्यों किया था, तभी केविन इलेवन आंसर देता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं लास्ट टाइम ग्वेन के साथ था, उसके बाद की कोई भी बात मुझे याद नहीं है। तभी बेंटनीसन जो है केविन को बोलता है कि अगर तुमने मुझ पे अटैक किया और ग्वेन तुम्हारे साथ थी लास्ट टाइम, तो अब वो कहाँ पे है, हमें उसे ढूंढना होगा, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। और बेन की ये बात सुन के केविन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ग्वेन उसके साथ थी और वो एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद केविन को कुछ भी याद नहीं है कि उसके बाद ग्वेन का क्या हुआ और मैं यहाँ पे कैसे आया। और उसके बाद केविन इलेवन और बेंटनीसन जो है केविन के गैराज में जाते हैं, क्योंकि केविन ने जब बेंटनीसन के ऊपर अटैक किया था तो उसकी जो गाड़ी थी उसमें यानी कि कोई ख़राबी आ गई थी जिसके कारण वो ऑन नहीं हुई। और उसके बाद केविन इलेवन और बेंटनीसन केविन की कार के अंदर बैठ के ग्वेन को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। केविन जो है बेंटनीसन को वहाँ पे लेके जा रहा होता है जहाँ पे लास्ट टाइम ग्वेंटनीसन और केविन इलेवन थे, लेकिन गाइस उस जगह पे पहुँचने से पहले ही केविन इलेवन की कार के आगे कोई आ जाता है। और केविन इलेवन जब कार से उतर के देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ग्वेन थी। और ग्वेन को देख के बेंटनीसन और केविन दोनों के दोनों ग्वेन के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस पता नहीं ग्वेन को क्या हुआ होता है कि वो दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। केविन और बेन जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ग्वेन जो है हम पे अटैक क्यों कर रही है। तभी बेंटनीसन जो है केविन को बोलता है कि तुम्हें भी कुछ याद नहीं था, उसी तरह शायद ग्वेन को भी कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वो हम पे अटैक कर रही है, तो हमें इसके साथ लड़ना ही होगा। और बेन के ऐसा बोलते ही केविन इलेवन जो है कुछ भी नहीं सोचता और अपनी पावर का यूज़ करके ग्वेन की तरफ बढ़ता है। और दूसरी तरफ बेंटनीसन जो है अल्टीमेट्रिक्स का यूज़ करता है और क्रोमास्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद बेन और केविन मिलके दोनों के दोनों ग्वेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गाइस फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चलती है और उसी बीच केविन इलेवन के ऊपर अटैक कर देती है ग्वेंटनीसन, जिसके बाद केविन जो है बेहोश हो जाता है। और दूसरा अटैक जो है ग्वेंटनीसन बेन के ऊपर भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन कहता है कि क्रोमास्टोन के ऊपर तुम्हारे मैना वाले अटैक काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो ग्वेंटनीसन है वो बेन के क्रोमास्टोन को हरा देती है और बेंटनीसन जो है नॉर्मल इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और क्रोमास्टोन के हार जाने के बाद भी बेंटनीसन जो है हार नहीं मानता ग्वेन से। उसके बाद अल्टीमेट्रिक्स का द्वारा से यूज़ करके बेंटनीसन स्वाम फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद बेन को लगता है कि स्वाम फायर का जो स्लीपिंग गैस है उससे ग्वेन को बेहोश किया जा सकता है, और ऐसा ही बेंटनीसन कुछ करता है, लेकिन गाइस ग्वेंटनीसन बेहोश नहीं होती, जिसके बाद वो अपने एनोडाइट रूप के अंदर आ जाती है। और जैसे ही ग्वेंटनीसन जो है एनोडाइट बन जाती है, उसके बाद बेंटनीसन अपने नॉर्मल रूप के अंदर आ जाता है। और गाइस ग्वेन के एनोडाइट बनने के बाद केविन इलेवन भी होश में आ जाता है और वो ग्वेन को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और जैसे ही केविन इलेवन होश में आ जाता है तो वो अपनी पावर का दोबारा से यूज़ करता है, और दूसरी तरफ बेंटनीसन जो है अल्टीमेट्रिक्स का यूज़ करके स्पाइडरमैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद बेंटनीसन और केविन इलेवन मिलकर दोनों के दोनों एनोडाइट के ऊपर अटैक करते हैं, तभी जो है स्पाइडरमैन की अपने जाल की मदद से एनोडाइट को बांध देता है। और जाल के अंदर बंधते ही केविन इलेवन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस ग्वेंटनीसन जो है एक मासूम सा चेहरा बना लेती है, जिसके बाद केविन उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। और गाइस केविन की इसी गलती का फ़ायदा उठाते हुए जो ग्वेंटनीसन है वो केविन के ऊपर अटैक कर देती है। और उसके बाद ग्वेंटनीसन जो है स्पाइडर मंकी की तरफ बढ़ती है, यानी कि बेन की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, और उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है, लेकिन केविन जो है हार नहीं मानता और केविन इलेवन जो है ग्वेन को पकड़ लेता है, जिसके बाद गाइस वो अपनी पावर्स की मदद से ग्वेन को ठीक करने की कोशिश करता है, और जिसके बाद वो अपने कवच को ग्वेन की बॉडी के ऊपर चढ़ा देता है। और गाइस केविन के ऐसा करने से ग्वेंटनीसन जो है ठीक हो जाती है। और ग्वेन के नॉर्मल हो जाने के बाद बेन और केविन मिलके ग्वेन से ये पूछते कि तुम्हें क्या हुआ था, तभी ग्वेंटनीसन जो है जवाब देते कि मुझे ज़्यादा तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर किसी ने जादू किया था। और गाइस आज का हमारा तीसरा पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और आगे की जो स्टोरी है हम पार्ट फोर के अंदर डिस्कस करेंगे। गाइज नॉर्मली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो स्टोरी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे जाके, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बन जाता है। तो गाइज आज का हमारा ये तीसरा पार्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और गाइज पार्ट फोर के लिए कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और गाइस पार्ट फोर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। एंड गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है गाइस वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
एंड इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए तो आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैंने काफ़ी सारी औसम वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग उन वीडियो को भी जरूर देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।